कल हम लोगों ने सूत्र ये पढ़े थे, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, है ना। एक पढ़ा था बन अपान एफ बराबर बन अपान बी प्लस बन अपान यू। इससे रिलेटेड आप क्या करेंगे क्वेश्चन, है ना। अगर क्वेश्चन पहला देखें, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। भाई वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी। क्या होती है, फोकस दूरी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी याद कीजिए। क्या बताया, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी याद कीजिए। क्या पहले, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या है कि कोई अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में सारा निगेटिव होता है, सब कुछ निगेटिव, ठीक है। उत्तल है तो उसमें पॉजिटिव हो जाता है, तो अवतल दर्पण में क्या है, सब निगेटिव। तो वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई, 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना होगा, आर बटे बराबर 20 बटे बराबर 10। अब चूंकि अवतल दर्पण है तो 10 माइनस क्या रहेगा, फोकस दूरी कैसी रहेगी, माइनस की फोकस दूरी रहेगी, याद रहेगा। अवतल दर्पण में निगेटिव चिन्ह लग जाएगा, राइट। फिर इसके बाद में और क्या बताया, कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, क्या रखी है, वस्तु, और वस्तु की दूरी क्या होती है, यू। यू बराबर कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, इतना ही तो है। क्या पूछा गया, दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ओके, दूरी बतानी है, तो मतलब बी बराबर निकालना। सूत्र क्या है, बन अपान बी प्लस बन अपान यू, वैल्यू रख दो। एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस की 10, एक बटे माइनस की 10 बराबर एक बटे बी प्लस एक बटे यू की वैल्यू माइनस का 15। ये माइनस 15 इधर लिया, प्लस का हो जाएगा, तो एक बटे 15 माइनस एक बटे 10 बराबर एक बटे बी, मतलब एक बटे बी बराबर लासा लोगे, ये कितना आएगा, 30 लासा आएगा, 30, 15 दूनी 10 दिया, अच्छा एक बटे बी बराबर 2 से 3 गया, माइनस एक बटे 30, अर्थात b बराबर कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, राइट। समझ में आया कि नहीं आया ना, ट्राई मारो, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं तब आ जाएगा सही से, करो जल्दी से। जल्दी लिखिए, फोकस दूरी,
कल क्यों नहीं आए थे यार? देखो काम अगर था तो दिक्कत सबसे बड़ी यही बढ़ती है। देखिए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तीस सेंटीमीटर है। वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। थोड़ा जरा इसमें देखना, हमने वक्रता त्रिज्या कितनी दी है? अरे यार समझोगे, आर की वैल्यू कितनी हो गई, कितना हो जाएगा, यू कितना है 20, वैल्यू रखो आंसर ले आओ, करो कैलकुलेट। हाँ करिए, जल्दी करिए, कितना आया बताइए। देखिए वैल्यू रख दें, देखो f की वैल्यू कितनी है -15 और u की कितनी है माइनस की, इधर ले आओ 1/20 माइनस 1/15, लासा लोगे लासा दोनों का 60 आएगा बेटा, कितना आएगा 20 3 15 4 3 से 4 गया बराबर -7, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, हो गया। क्वेश्चन लिखिए, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पांच सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा,
मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा? जरा बताइए, क्या बताया कि कितनी फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या कितनी है दर्पण की, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। सबसे पहले तो ये देख लो, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण है उसके लिए वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई? 20 सेंटीमीटर। तो बेटा फोकस दूरी कितनी आएगी? आर बटे बराबर 20 बटे बराबर 10, लेकिन अवतल दर्पण में सब निगेटिव, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? मोमबत्ती कितनी दूरी पर रखी गई है? 5 सेंटीमीटर की। तो U बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर माइनस का। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की बताया गया, तो B बराबर माइ क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आया बेटा समझ में? हेलो, सूत्र लगा, क्या सूत्र होता है? एक बटे एफ बराबर एक बटे बी, एक बटे एफ की वैल्यू एक बटे माइनस का 10 बराबर एक बटे बी, वी वी यू माइनस एक बटे पांच, ये माइनस का इधर ले आ बेटा, एक बटे माइनस 10 और प्लस एक बटे बराबर एक बटे 10 लासा, 10 एकन 5 दूनी बराबर एक बटे, तो v बराबर कितना आएगा? एक बटे 10, v बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, v बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब जरा सोचना, जब निगेटिव बन रहा था मतलब माइनस में आ रहा था, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब जितना भी हम फिगर बनाए थे, अगर दर्पण इधर ऐसे ऐसे कर रहा था और इमेज वस्तु यहाँ कहीं रखी हो रही थी, तो इधर साइज अगर यहाँ पे इमेज बन रही थी तो वो वास्तविक थी। हाँ, अवतल दर्पण में, कौन से दर्पण में? अवतल में, ऐसे ही तो पॉलिश है ना। लेकिन ये प्रतिबिंब इन्होंने बताया, ये फोकस से गुजर रहा है, यहाँ पे कहीं रखा है आधी दूरी पर। ओके, फोकस कितनी दूरी पे है? 10, फोकस का आधा 5, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी है, जल रही है जो कि ऐसे करके, सही। इसकी इमेज बेटा कैसे बनेगी? ऐसे ऐसे जाएगी और ऐसे 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 करके गुजर जाएगी इधर, बोलो, एक वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी, कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी यहाँ से ऐसे करके, ऐसे तो जाएगी, ऐसे रियल में जाएगी, है ना, यहाँ तक तो जाएगी, लेकिन यहाँ जाने के बाद सीधी वापस हो जाएगी, बोलो, वापस होगी सही से ऐसे, तो ये बढ़ता जाएगा, लेकिन ये वाला ऐसे आगे बढ़ाओगे, ये ऐसे आगे बढ़ेगा, ये कहीं कट करेगा यहाँ पे, जहाँ कट किया यहाँ इमेज बन गई, ये अगर ए बी थी तो ये ए डेस और बी डेस इमेज बनी है, समझ में आया। और इमेज अगर इधर बनती है तो वो आभासी होती है, कैसी होती है? आभासी इमेज है, कैसी है? आभासी, समझ में आया। तो इसे क्या बोलेंगे? अगर बी प्लस में आ रहा है अवतल दर्पण में तो कैसा है? अतः प्रतिबिंब कैसा है? आभासी, मतलब ये शीशे वगैरह में किसी में देख रहा है, पक्का नहीं लग रहा, ऐसे रख के उधर साइड, आया समझ में? तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है। अगर साइज की बात करता है तो साइज कितना है? नहीं नहीं वस्तु से कितना, दर्पण से कितनी दूरी पर है? दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, लिख लो जल्दी से।
हो गया। क्वेश्चन लिखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। करें, थोड़ा सा बताते हैं, तुम लोग करोगे। देखिए, अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल हल लिखते हैं यहाँ पर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए क्या लिखें बेटा? क्या बताया, वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो बेटा f बराबर कितना होता है? r बटे 2, मतलब 40 बटे 2 बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण का हो गया। फिर क्या बताया गया इसमें? बताया कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट साइज को हम लोग ओ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? ओ, आई अपान ओ लिखा था ना। और 20 सेंटीमीटर ये हो गया। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, माइनस का हो गया। सूत्र क्या होता है? 1 बटे f बराबर 1 बटे b प्लस 1 बटे, वैल्यू पटक दो यार, f की वैल्यू कितनी है? माइनस की 20 बराबर 1 बटे b प्लस 1 बटे u की कितनी है? प्लस 1 बटे माइनस का 30। ये माइनस का इधर ले, आप प्लस में हो जाएगा, तो 1 बटे 30 माइनस का 1 बटे बराबर 1 बटे, अच्छा बेटा 1 बटे b बराबर कितना आएगा? ला सा इन दोनों का 60, 30 दूना 20, 3 2 से 3 गया, तो v बराबर माइनस 60, मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। प्रकृति की बात की जाए तो माइनस में, माइनस में होता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। और जब प्लस में आ जाता है तो आभासी, तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अगर साइज देखें तो ये 60 है, ये 30 है, साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा, बड़ा नहीं, दो गुना 30 दूना 60 अभी बना रहे, रिलैक्स करो, वो भी कराएंगे, वस्तु से 2 गुना। स्टेप बाय स्टेप चलने दो, एकदम तगड़ा समझ लोगे फिर उड़ जाएगा, नहीं लग रहा, करवाएंगे, टेंशन ना लो। वस्तु से 2 गुना क्या पूछा? आवर्धन, मतलब हमने नहीं, वस्तु का साइज पूछा था। क्या पूछा था? कि वस्तु नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई, राइट। अब हमने आवर्धन जो पढ़ा था, आवर्धन में क्या पढ़ा था? m बराबर माइनस b बटे u बराबर i अपान o, ये सूत्र होता था, m बराबर माइनस b बटे u बराबर i अपान o। बेटा हमें इससे तो मतलब है नहीं, हम कोई दो टर्म लेते हैं, माइनस b अपान u बराबर i अपान o, यही तो लेंगे। वैल्यू रखो बेटा, b की वैल्यू कितनी है? माइनस, और माइनस का 60। u कितना है?
माइनस का एक खत्म माइनस बराबर आई निकालना है, ओ कितना है चार है, जीरो से जीरो तीन दूनी छः, तो माइनस का दो बराबर आई बटे चार, तो आई बराबर चार दूनी आठ, मतलब कहने का है माइनस में आठ क्यों आया, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है भाई, जब जाती है ये ऐसे ही होता है और प्रतिबिंब जो बनता है वो ऐसे बनता है का, हाँ तो प्रतिबिंब माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा है उल्टा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हो, अतः प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, आंसर लिख लो, समझ में तो आया होगा, हाँ कर लो। क्वेश्चन लिखो घर से, ट्राई मारना घर से अच्छे से। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटी, बिल्कुल सेम है, फोटोकॉपी डिजिट चेंज बस सारा सेम, हाँ एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु दर्पण से, बीस सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थित बा लंबाई ज्ञात कीजिए, आवासी बनेगा बी पॉजिटिव आएगा, ख्याल रखना स्थित बा दूरी ज्ञात कीजिए, कहे दूरी यही से निकले, स्थित लंबाई निकालना इससे निकले, आया ट्राई मारिएगा, और ट्राई ना मार पाइएगा तो कल हम बताएंगे, ठीक है कल है, देखो संडे कोचिंग का टाइम है कितना, सुबह का 7 से 8 सोमवार से,